कोरोना एक बार फिर भारत में पांव पसारने लगा है। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। आपके काम की बात यह है कि बीते कई महीनों से चीन में कोविड के नए वेरिएंट JN1 फैलने की खबरें थी, लेकिन अब JN1 सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। अब भारत के तमाम राज्यों में इससे इन्फेक्शन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में कोविड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे एक बार फिर देश में कोरोना वायरस का डर तेजी से फैलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी पड़ोसी राज्य यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसे में खबर घबराने से ज्यादा सावधानी बरतने की है। अब किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, ताकि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। कोविड का नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पेरोला कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक JN1 और BA.2.86 के बीच केवल एक चेंज है, वो है स्पाइक प्रोटीन का। ये स्पाइक प्रोटीन के बदलाव को स्पाइक भी कहा जाता है। ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों में वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैलता है। अब किन सिचुएशंस में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो जान लेते हैं। यदि आप काम के सिलसिले में अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार या सहकर्मी विदेश यात्रा करके या भारत के उन राज्यों से आए हैं जहां कोविड के नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, यानी केरल, आंध्रा, इन जगहों पर, यदि आप ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं जो विदेश से आती हैं, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड के इस नए वेरिएंट से अभी तक कोई खास लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। इसे नॉर्मल वायरल फीवर या सब वेरिएंट में ज्यादा फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। किन लोगों में इस वेरिएंट को जल्दी से होने का रिस्क बढ़ता है वो है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं। बुखार, नाक बहना, खांसी, सिर दर्द जैसे आम लक्षण हो तो डॉक्टर से बिना देरी करे संपर्क करें। अगर आप युवा हैं और शुरुआत में कोई बीमारी नहीं है तो इन लक्षणों के दिखने पर गरारा करें, स्टीम लें तो आप खुद ही ठीक हो सकते हैं। खुद को आइसोलेट कर लें और डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेते रहें। वायरल फ्लू के लक्षण दिखने पर कोविड का RT-PCR टेस्ट किया जाता है। कोविड के वेरिएंट का टेस्ट पता लगाने के लिए जीनोटाइपिक स्टडीज की जाती है। सर्दी का मौसम है, कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण आम फ्लू की तरह हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कोविड के नए वेरिएंट से बचें, बल्कि इस तरह नॉर्मल फ्लू से भी बचकर रहना चाहिए। हाथ धोना, मास्क पहनना, सार्वजनिक जगहों जाने से बचना, टीका लगवाना, कोविड से बचना, सामान्य नॉर्मल नियम फॉलो करना, ये एक जरूरी बातें हैं। कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफी हद तक नियमों का पालन करना कारगर होता है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों को सलाह दी है कि लक्षण दिखाई देने पर तुरंत लापरवाही ना बरतते हुए कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाहर से आने वाले लोगों को 2 दिन तक होम आइसोलेशन पर रखें। उन पर किसी तरह का लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खुद भी बाहर जाने के बाद 20 सेकंड तक हाथ अच्छे से धोएं। जुखाम, खांसी या इन्फेक्शन जैसे जिनको है उनसे 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। आंख, मुंह, नाक को बार बार हाथ ना लगाएं। साबुन और सैनिटाइजर से ही हाथ को अच्छी तरह से साफ करते रहें। फोन या दूसरी चीज जो आपके लगातार संपर्क में बनी रहती है उसे सैनिटाइज करते रहें। खांसी छींक आने पर मुंह को टिश्यू पेपर से हमेशा कवर करते रहें। बुखार, कफ या सांस लेने में दिक्कत जैसी कोई समस्या है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। बच्चे, बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दिन भर गुनगुना पानी पीते रहें। नॉर्मल फ्लू से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके चलते हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे कोविड होने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।